चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। तनख्वाह जो है न्यूनतम कम से कम 26,000 होनी चाहिए। मजदूरी में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई, महंगाई में काफी हद तक बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, अब सरकार ने क्या कर दिया कि ये काम जो है 12 घंटे कम से कम करना पड़ेगा, और तनख्वाह वो की हुई है जितनी पहले थी। जो ये 4 कानून लगे इसमें मजदूर को और मरना होगा, क्योंकि पूरे देश को करके खुआने वाला मजदूर और किसान है। अगर उन्हीं की जिंदगी बेहतर नहीं होगी तो देश आगे कैसे बढ़ेगा। सीसे में आपका स्वागत है। हम उत्तर प्रदेश के एल्लम गांव में हैं आज, और आज पूरे देश में 8 फरवरी को मजदूर प्रतिरोध दिवस मनाया जा रहा है यहाँ। और एल्लम के जो लोग हैं वो क्या सोचते हैं मजदूर को लेकर, और किस लिए आज वो ये रैली निकाल रहे हैं, उसी बारे में हम बातचीत करेंगे। जी नमस्कार। जी नमस्कार जी। जी मास्टर जी, किस चीज़ को लेकर रैली है आज, किन मजदूरों के लिए आप क्या मांगे आप कर रहे हैं? मजदूरों के लिए जो हमारी मुख्य मांगे हैं, वे एक तो ठेका पर था जो है, हर जगह ठेका लागू कर दिया उन्होंने, कंपनी हो या कोई सरकारी भी जो कंपनियां हैं उनमें भी सब में ठेका हो गया है। बस ये नहीं रहा है कि आप जो है कुछ दिन नौकरी करने के बाद में पक्के हो जाएंगे, सब कुछ ठेके पे दे दिया। एक ठेका, एक तनख्वाह, तनख्वाह जो है न्यूनतम कम से कम 26,000 होनी चाहिए। एक सुरक्षा की बात, जहाँ भी जितने भी संस्थान हैं कहीं पर भी जो है सुरक्षा कहीं नहीं दी जाती प्राइवेट में, तो ये सुरक्षा के लिए। और रोजगार गारंटी चाह सब चाह, देखो न्यूनतम कम से कम 26 दिन, मनरेगा वगैरह में इन्होंने कुछ ऐसी बढ़ोतरी नहीं करी, उसमें सब रोजगार मिलना चाह, जितना 200 दिन का इन्होंने वादा किया था वो नहीं दिया जा रहा। और कितनी मांगे हैं सचिन भाई, क्या लगता है क्या स्थिति है मजदूर की अभी आज के दौर में, कैसा? मजदूर की स्थिति बहुत ही बेकार आज के दौर में जो देखा जाए। वैसे जो देखा जाए पहले सरकारी नौकरी में नॉमिनी दिया जाता था, वो भी ख़त्म कर दी गई है। नॉमिनी की वजह से यदि किसी कारण आपात जो नौकरी पे है उसकी डेथ वगैरह हो जाती थी, उसकी नौकरी उसके बच्चों को मिल जाती थी, इस प्रकार से उसके परिवार का पालन पोषण चलता रहता था। और आज जो है कि नॉमिनी बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है। यदि मान के चलो उसकी डेथ हो गई, उसके परिवार में कोई करने वाला नहीं है, तो उसके परिवार की स्थिति बहुत ही बेकार हो जाती है। तो इस हिसाब से जो नॉमिनी का सिस्टम था वो फिर से चालू करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो मजदूरी में बढ़ोतरी हुई है पिछले समय से अभी तक कुछ? मजदूरी में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई, महंगाई में काफ़ी हद तक बढ़ोतरी हुई है। जो 5 साल के अंदर देखा जाए तो ज़्यादातर जितने रेट थे उसके डबल हो गया है। तो घर परिवार चल पाता है? नो, घर परिवार नहीं चल पाता ऐसी स्थिति में। आपको क्या लगता है श्रम कानून जो थे वो अभी कितने मजबूत है, और कितनी सुविधाएं उन कानूनों से मिल पाती है मजदूरों? जी मजदूर को श्रम कानून तो अभी जो है जैसे 4 नई श्रम संहिताएं लागू करी तो ये बहुत ही ख़तरनाक है। और पहले भी असंगठित क्षेत्र के मजदूर जितने भी थे पहले भी उनको कम ही मिल पाता था, संगठित क्षेत्र के मजदूर इससे ज़्यादा लाभ उठाते थे। तो वो सुरक्षा मिल पाती है अभी कानूनों से इनसे जो पहले होती थी? नहीं, अभी नहीं मिल पा रही है। रूपक जी, क्या लगता है किस चीज़ का आप विरोध कर रहे हैं, और मजदूरों को लेकर क्या आप देख रहे हैं, क्या स्थिति है अभी? देखिए जी, पहले ये था कि मजदूर को जो फिक्स था कि 8 घंटे काम करना पड़ता था उनको, ठीक है, और सैलरी जो है मतलब 2 वक्त की रोटी उनको मिल पाती थी पहले, ठीक है। अब सरकार ने क्या कर दिया कि ये काम जो है 12 घंटे कम से कम करना पड़ेगा, और तनख्वाह वो की हुई है जितनी पहले थी। आप देख रहे होंगे कि महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा लग रही है, ठीक है। एक तरफ अगर देखा जाए तो मजदूर जो है केवल आदमी नहीं है, औरत भी होती है। पहले औरतों को जो दिन में काम करने का अधिकार था, अब जो है ये जो अभी 4 श्रम संहिता बनी है इसमें बोला गया है कि महिलाएं अब रात को भी काम करेगी, जबकि महिलाएं जो है दिन में ही पहले सुरक्षित नहीं थी, अब रात को क्या होगी, ठीक है। इस तरह की जो मांगे हैं हमारी वो हम जो है लेकर के आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं। शिवम भाई, आज आप विरोध कर रहे हैं श्रम संहिता कानून लागू हुई है और सरकार की नीतियों का, तो आपको क्या लगता है मजदूर की स्थिति क्या है अभी? मजदूर की स्थिति बहुत ही ख़राब हो लग रही है। मजदूर को तो ना तो दवाइयों का रहा कुछ भी, और ना ही शिक्षा का। मैं फ़िलहाल शिक्षा से पीड़ित हूँ, मैं शिक्षा नहीं कर पा रहा। जो तू करके यहाँ से सरकारी स्कूल में से मैंने 12वीं तो कर ली, आगे मेरा पढ़ने का हिसाब नहीं है, फीस की व्यवस्था नहीं कर पाता, सरकारी स्कूल में नंबर नहीं आता,
क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा होगी बालकों की, वहाँ तो कह दिया कि सीट पूरी होगी, प्राइवेट की तरफ को दिखा दिया जा, प्राइवेट में मेरा बहुत नहीं है, मैं पढ़ लूँ। तो इसी तरीके से जो गरीब मजदूर के बालक है वे पढ़ नहीं पाते, फिर वे क्या करें, अपना काम धाम में लग जा, अगर भाई हमारे तो कुछ होना जाना नहीं, सब पैसे वालों का काम है, मजदूरों की कोई सुनने वाला नहीं है। इसी वजह से जो ये चार क्रम कानून लगे इसमें मजदूर को और मरना होगा, इस वजह से हम इसका आंदोलन कर रहे हैं। मेरा नाम निशु है। अच्छा निशु, क्या लगता है आपको, क्या स्थिति है मजदूर की? स्थिति तो बहुत खराब है, मजदूरी खत्म होती जा रही। परिवार का खर्च चल पाता है आज की मजदूर? नहीं, मेरे पापा और भट्टा मजदूर है, मैं भी अपने पापा के साथ में भट्टे पे काम करूँ, पढ़ाई भी नहीं हो पाती और भट्टे पे भी कुछ सुविधा नहीं है। महिलाएं वहाँ से भी कैसे भी बीमार रहे, उनके लिए कोई सुविधा नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है, बच्चों के लिए कई गड्ढे में गिरे कई भी गिरे उनके लिए कोई सुविधा नहीं है। और मजदूरी की अगर मैं बात करूँ तो महिलाओं को पुरुषों से कम मजदूरी दी जावे। आप कह रहे हैं भट्टे पर काम करते हैं, भट्टे की मजदूरी में बढ़ोतरी हुई पिछले सालों से कुछ अभी तक? नहीं, वही 450 का रेट है, वही कुछ बढ़ोतरी नहीं। क्या नाम आपका? जी मेरा नाम बिट्टू कुमार है। बिट्टू भाई, क्या लगता है आपको, किस तरह की स्थिति हो गई है अभी मजदूर की, और आप प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो मजदूर किस तरह आज गिर चुका है नीतियों से, इन कानूनों से? भाई देखो, सारी चीज़ों में आप किसी भी क्षेत्र में देख लो, मजदूरों की हालत सभी जगह ख़राब है। आप गांव में छुट्टी मजदूरी को लेकर देख लो, और आप फैक्ट्री में देख लो, सारे कुछ जगह उनके लिए ना तो कोई सुविधा है, और ना ही उनके लिए जो है वो थोड़े स्तर पर ही काम मच रही है। ठीक है, गाँव में मजदूरी देख लो, न्यूनतम ज़्यादा 400 रुपये एक दिन के हैं, और उन्हें भी आदमी को जो है भी टाइम पर नहीं मिल पाते, छोटे दिहाड़ी मजदूर है तो बेचारे एक बार बार मजदूरी लेने के लिए जा गए घर, तो बहुत सारी दिक्कतें उन्हें झेलनी पड़ी। तो उसी चीज़ को लेकर हम विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि एक तो जो उनकी मजदूरी है वह बढ़ाई जाए, कम से कम 26,000 रुपये जो है करे जा, क्योंकि सरकार भी इस चीज़ को मानने की, अगर उसका सबसे छोटा जो एम्प्लॉई हो वो कम से कम 18-20 हज़ार रुपये से कम नहीं लगता, और कम से कम उन्हें ये भी इस चीज़ को मानना है कि इससे कम जो है काम नहीं चलने का। तो फिर मजदूर बेचारा उस 8,000 में, 7,000 में, 10,000 में कैसे काम कर लेगा? तो उसी चीज़ को लेके कह रहे कि भाई कम से कम 26,000 रुपये तो होनी चाहिए। आपने ईंट भट्टों की बात की और बहुत सारे मजदूर काम करते हैं, तो वहाँ कानून जो है मजदूर के लिए जो बने हैं, क्या वो काम कर पाते हैं, वो सुविधाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य, इस तरह की सुविधाएं मिल पाती हैं वहाँ अच्छे से? नहीं जी, उनके लिए वहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं होती उनके लिए, ना तो उनके बालकों के लिए शिक्षा की व्यवस्था हो पाती ठीक है, ना उनके लिए जो महिलाएं घट्टे पर काम करने के लिए उनकी कोई सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है। कर मजदूर की क्या स्थिति है अभी आज के हालत में? जी आज के टाइम पर, आज 8 फरवरी को पूरे देश में महासा ने जो है एक बात कही है कि सारे देश के मजदूर जो है एक साथ इकट्ठा हो अपनी मांगों को रखें, तो इसी में ही कई सारी मांगे जो है मासा ने अपनी बताई है। जैसा कि इससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि आज देश में जो मजदूरों के हालात है वो लगातार ख़राब होते जाने लग रहे हैं। जैसे आप फैक्ट्री कारखाने में काम करने वाले मजदूर को दे लें, तो पहले 8 दिवस का कार्य जो दिवस था 8 घंटे का, वो जो है पहले सबके लिए लागू होता था, और अब जो है वो बढ़ा के 12-14 घंटे कर दिया गया। उसमें मजदूरों को जो है बहुत ज़्यादा दिक्कत है, क्योंकि ना तो उनके पास अपने लिए समय बचता, अपने परिवार के लिए समय नहीं बचता। ठीक है, उसी के साथ साथ जो सुविधाएं फैक्ट्री कारखाने में भट्टे पर काम करने वाले मजदूरों के लिए, या ईंक में जाकर छोलने वाली महिलाओं के लिए, या किसी भी तरह का जो भी मजदूर था देश में, जो भी तरह के मजदूर शामिल हैं, सब लोगों के लिए कुछ सुविधाएँ और कुछ कायदे कानून बनाए गए थे, ताकि उन्हें जो है उनके हक मिलते रहें, और उनकी ज़िंदगी जो है देश के निर्माण के साथ साथ उनकी ज़िंदगी का निर्माण भी होता रहे। पर लगातार ये चीज़ें अब जो है गिरती जाने लग रही। किसी भी तरह के मजदूर वर्ग को अगर उठा के देखें तो सबकी हालत बेहद ख़राब है। उसी के साथ साथ में जो महिलाएं लगातार जो है बाहर निकल रही, उनके साथ हम देख रहे हैं कि कितना बड़ा जो है शोषण बढ़ता जाने लग रहा, उनके प्रति जो है अपराध की घटनाएँ बढ़ती जाने लग रही देश में। तो और दूसरा एक जो असमानता की भावना है पुरुष और महिलाओं की, जो तुलनात्मक स्थिति की अगर हम बात करें, तो उसमें हमें देखने को मिला है कि एक ही फर्म में जहाँ मजदूर महिला और मजदूर आदमी काम कर रहे, तो दोनों की तनख्वाह में बहुत बड़ा भेद मिलेगा। ठीक है, और तमाम तरह की घटनाएं हमें देखने को मिले। तो इसी को लेकर मासा ने, मजदूर सहायक संघर्ष अभियान ने जो है एक अपना प्रतिरोध दिवस के रूप में आज को स्थापित किया 8 फरवरी। पूरे देश में लोग जो है इसे मना रहे,
और अपनी बात कह रहे हैं कि भाई हमारी कुछ मांगे हैं वे हमें सरकार से मनवानी है और ऐसे जो है हमारी ज़िंदगी बिल्कुल भी बचने वाली नहीं है। इसी को लेकर एक तो 8 घंटे का कार्य दिवस लागू हो कठोरता से, ठीक है, निजीकरण और जो ठेका प्रथा है उसे बंद किया जा, सामाजिक सुरक्षा सुविधाएं इन सबको मुहैया कराया जा, सबके लिए एक निश्चित रोजगार की व्यवस्था की जा। संघर्ष ये जारी रहेगा मजदूरों को लेकर? बिल्कुल जारी रहेगा जी, जब तक जो है हमारी मांगे पूरी नहीं होगी और जब तक जो है मजदूर की ज़िंदगी खुशहाल नहीं होगी, क्योंकि पूरे देश को करके खुआने वाला मजदूर और किसान है, अगर उन्हीं की ज़िंदगी बेहतर नहीं होगी तो देश आगे कैसे बढ़ेगा। और देश केवल जो एक नक्शे का नाम नहीं है या बड़ी बड़ी इमारतें और बड़े बड़े फ्लाईओवर सड़कें रोड तैयार कर देने से देश नहीं बनता, देश बनता है उसकी जनता से, उसकी आवाम से और उनकी खुशहाली से। हम गांव एलम में थे और आज मजदूर सहायता समिति के बैनर तले यहां पर मजदूरों के लिए एक रैली निकाली गई है जो यहां से सीधा डीएम दफ्तर तक जाएगी और ज्ञापन देगी। देश में जो मजदूरों को लेकर कानून में जो बदलाव हुए हैं उनको लेकर ये विरोध हुआ है। जुड़े रहे सीसीए से, उत्तर प्रदेश से आपको खबरें आती रहेगी। धन्यवाद।